स्थापना दिवस आज कलेक्ट्रेट परिसर में धूमधाम से मनाया गया। 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश अलग राज्य बना था। मध्य प्रदेश को देश का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। हर वर्ष 1 नवंबर को जिला प्रशासन मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाता है। आज कलेक्टर की उपस्थिति में स्थापना दिवस मनाया गया। ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। स्कूल के बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। इस दौरान मध्य प्रदेश गान भी गाया गया। आइए आपको दिखाते हैं पूरा कार्यक्रम और सुनवाते हैं कलेक्टर प्रतिभा पाल ने क्या कुछ बताया है। आयुष त्रिपाठी, आदर्श त्रिपाठी, पीयूष सिंह, शिवाकांत शुक्ला, सौरभ वर्मा, आदित्य मिश्रा, शुभ चौरसिया, सभी प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। हमारे आज की इस आयोजन समिति और प्रशासन की ओर से शीघ्रता के साथ प्रारंभ करें। शीघ्रता के साथ प्रारंभ करें। आज का जो मध्य प्रदेश स्थापना दिवस का कार्यक्रम है वो पूर्ण गरिमा के साथ में रीवा में संपन्न हुआ है। और सुबह जिस तरीके के निर्देश थे, सबसे पहले ध्वजारोहण किया गया है, बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया। साथ ही सभी लोगों ने यह संकल्प भी लिया है, इस तरीके के दिन ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग अपनी पूर्ण क्षमता के साथ में आने वाले समय में जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी का काम दिया गया है सभी लोक सेवकों को, वो भली प्रकार से करें। साथ ही मध्य प्रदेश को और बेहतर प्रदेश बनाने में हम सभी का योगदान रहे, ऐसा सभी ने संकल्प लिया है।